hands, close your eyes. We will do Omkaram 3 times. Om. Om. Sai Ram. Sai Ram, ma'am. Sai Ram, ma'am. Sai Ram. Okay, only 12 students are there. Ankit is there? Ankit? He's not. Okay. Ankit ke baad Ayush? Ayush bhi nahi hai. Chetna? Chetna bhi nahi hai. Lalit? Lalit? Lalit is also not there. चलो इन्हीं बच्चों का रह गया है आर्ट इंटीग्रेशन वाला प्रोजेक्ट. मुकुंद, मुकुंद आर यू देयर? मुकुंद भी नहीं है क्या आज? मुकुंद भी नहीं दिख रहा मुझे आज. जैसे अकेला मुकुंद का नहीं आया है, बाकी सबका आ गया है. मोहितांशिनी अनम्यूट योरसेल्फ. मोहितांशिनी, मोहितांशिनी आर यू देयर? ओके, शी इज आल्सो नॉट देयर. देन अमान, अमान आर यू देयर? अमान, पूर्ति इज देयर? हु इज दिस? शिवांश. ओके सायरा बेटा. पूर्ति आर यू देयर? पूर्ति इज आल्सो नॉट देयर. यज्ञ, कोई भी नहीं है जिनसे बात करना है. चलो ठीक है. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू the same lesson. Okay, I will share my screen. I hope you all have solved the questions that I sent on in class WhatsApp. You did it? Yes, ma'am. You can raise your hands. Yes, if you have done it. You can show your notebook. Who's the link? You can see Alina's notebook. Yes, yes, it is there. Alina, I told you some correction. Have you done that? Yes, ma'am. Okay, okay. I hope my screen is visible. Yes, Chinmay, you're showing me cover. Sanvi, show your notebook. Okay, ma'am. My screen is visible, Sanvi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. These questions we have already discussed. If you want to check your answers, you can check. My screen is visible now? Yes, ma'am. Okay. Then I will type here answers. You can check your answers, okay? Aap apne answers khud check kijiye, okay? Vehicles that have two wheels. Then vehicles that have three wheels. Aap apne answers khud check kijiye. मैम,
पेरिस में वो मोटर की जगह बाइसाइकल लिखा है. इट इज ऑल्सो करेक्ट बेटा. थ्री व्हील्स, ऑटो रिक्शा एंड साइकिल रिक्शा. स्पेशली चेक योर स्पेलिंग्स. स्पेलिंग्स चेक करना है सबको. More than four wheels. Run on diesel and gas. You can write anything. Bus. Tractor, electricity, train and metro train, driven by animals. Pullar cart and camel cart driven by humans. Humans का मतलब humans अपनी एनर्जी को चलाते हैं, ठीक है? Cart भी होता है. Cart cart is also correct. Yes, correct. Cart is also correct. Cycle is also correct. Okay. Camel cart सही है. No बेटा, camel cart को एनर्जी कौन दे रहा है? Camel. Camel cart में एनर्जी कौन लगा रहा है अपनी? इंसान नहीं लगा रहा. कैमल की एनर्जी से चल रहा है वो, है ना? लेकिन साइकिल जब हम चलाते हैं तो अपनी ताकत लगाते हैं ना हम उसमें. कार्ट को हम पुश करते हैं तो ताकत लगाते हैं कि नहीं? तो इसमें एनिमल्स में कह रहे थे. एनिमल्स में ठीक है, एनिमल्स में ठीक है. बट दिस वन ड्राइवन बाय ह्यूमंस, इसमें कैमल कार्ट या बुलक कार्ट नहीं आएगा. इसमें आएगा साइकिल कार्ट. साइकिल रिक्शा भी आ सकता है. यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ. साइकिल रिक्शा. ओह आई एम सॉरी. ओके एंड दैट यू हैव ट्रैवल्ड इन. जिसमें आपने ट्रैवल किया, ये आप तो कुछ जो भी आपने ट्रैवल किया है, बोट, शिप, जो भी फेरी, वो आप सब लिख सकते हैं. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी आपने ट्रैवल किया है, ठीक है? यस यस यू कैन राइट. नाउ नेक्स्ट, before that we will, can you tell me what is the use of a cart? Any one of you, use of a cart. You have seen a cart, I hope. Yes ma'am. Any one of you tell me the use of a cart. आपके घर में वेजिटेबल्स फ्रूट सेलर्स आते होंगे, सारे अपने फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को कार्ट के ऊपर अरेंज करते हैं. यस सानवी. फॉर कैरी द पीपल. नो, टू कैरी द पीपल. नो बेटा, आपने देखा है कभी, आप साड़ा गए होंगे, गेल में तो नहीं आते अंदर, लेकिन आप साड़ा गए होंगे या रामगढ़ कभी गए होंगे, गुना गए होंगे, तो ठेला रहता है, उस ठेले के ऊपर या तो फ्रूट्स रखे रहते हैं या वेजिटेबल्स रखी रहती है ना, तो उसको कार्ट बोलते हैं. इसको इंग्लिश में ठेले को ही कार्ट बोलते हैं बेटा. कैन यू टेल मी नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कार्ट? अलीना कीप क्वाइट. व्हेनेवर आई विल आस्क यू, यू हैव टू अनम्यूट दैट टाइम ओनली. सानवी, कैन यू एक्सप्लेन द यूज ऑफ इट नाउ? Yes, ma'am. To arrange the fruits, vegetables. Yes, to sell the things like fruits, vegetables. Okay? Okay, very good. Now, who will tell me what is the use of a mail van? In your textbook, you must have seen a picture of the mail van. Textbook mein aapke mail van ki picture hai. Page number batana mujhe koi bhi. Yes, Chinmay, can you tell me what is the page number? जहाँ पे mailman की picture बनी है, जरा बता दो मुझे page number क्या है वो? 173.
73. So all of you open page number 73. And Bhavyansh, can you tell me what is the use of a mailman? Have you seen a mail van? आपने कभी मेल वैन देखी है? Yes, then tell me what is the use of it? चिन्मय या भव्यांश दोनों में से कोई भी एक बताओ. भव्यांश आप पहले ट्राई करो. मैम उसमें मैम सामान रखे होते हैं. कौन सा सामान? मैम जैसे कि चीजों के डब्बे. नो चिन्मय यू कैन ट्राई नाउ. यस उसके अंदर क्या होता है? अच्छा ये मेलमैन कहाँ तक ट्रेवल करती है कभी आपने नोटिस किया है? मैम इसमें रखी आती है. अभी तो ठीक से आवाज नहीं आ पाई आपकी. क्या आपने देखा ये मेलमैन कहाँ तक जाती है? कौन सी जगह? मैम इसमें ना कोविड की वैक्सीन भी रखी आती है. वैक्सीन? अच्छा वैक्सीन का मुझे नहीं पता. वैक्सीन क्यों आएगी भैया मेलमैन में? नहीं मेलमैन में वैक्सीन नहीं आ सकती, उसके लिए तो एम्बुलेंस है ना. मेलमैन में क्यों आएगी वैक्सीन? मेलमैन कहाँ तक जाती है? किसी ने भी नोटिस किया होगा तो ध्यान से देखा हो. मेलमैन ऑल हाउस. मैम ऑल हाउस. लखन यस मैम. मेल वैन कहाँ तक जाती है? उसका डेस्टिनेशन क्या है? नो ऑल हाउसेस में तो पोस्टमैन जाता है. मैम आए Who is this? Mohit Anshani, yes. Ma'am, Indore tak. Nahi, apne yahan bhi aati hai mail van. Ma'am, very good. Post office tak jaati hai wo. Theek hai? Post box, post office tak jaati hai ya post office se letters lekar agar train se ja rahe letters. तो ट्रेन तक भी जाती है, स्टेशन तक भी जाती है, ठीक है. लेकिन मेन उसका डेस्टिनेशन है वो है पोस्ट ऑफिस, ठीक है. अगर ट्रेन से मेल आ रहा हो तो उसको मेल वैन में रखा जाता है. वो मेल वैन कैरी करती है कहाँ तक? पोस्ट ऑफिस. आगे समझ में? तो मेल वैन का मेन पर्पस अगर आपने इसमें ध्यान से देखा हो, उसमें एक एनवेलप की पिक्चर भी बनी रहती है मेल वैन के ऊपर. देखा है आपने कभी ध्यान से? है ना. तो मेल वैन का पर्पस है मेल को, यानी जो आपके लेटर्स है पार्सल्स है उनको कैरी करना कहाँ तक? पोस्ट ऑफिस तक. फिर पोस्ट ऑफिस में उसके साथ प्रोसेस होता है, कुछ कुछ सॉर्टिंग होता है, स्टैंपिंग होता है. वो लेसन भी हम पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है. तो आपको पता चलेगा पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम होता है. पोस्ट ऑफिस तक वो सारे लेटर्स लेकर जाती है और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करते पोस्टमैन, ठीक है. तो मेलमैन का क्या है, यूज क्या है? To carry letters and parcels, okay? Now we will see the next vehicle, wheelchair cycle. आप उसी के नीचे देखो wheelchair cycle की picture बनी हुई है. आप बता सकते हो क्या use है इसका? समर्थ आप बता सकते हो बेटा? Wheelchair cycle. गौरव, गौरव क्या कुछ problem हो रही है गौरव? मैम है. हैंडीकैप, यस वेरी गुड अभिदय, वेरी गुड. जिसके लेग्स लेग्स में प्रॉब्लम होती है, जो चल नहीं सकते, वो व्हीलचेयर साइकिल के सहारे ट्रैवल करते फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रैक्टर. ट्रैक्टर इज यूज्ड टू प्लो द फील्ड, है ना. ये तो सबको ही पता होगा, इसलिए मैं इसको नहीं पूछ रही हूँ. डबल डेकर बस, ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, लोगों को ट्रैवल करने के लिए. नेक्स्ट इज एम्बुलेंस. एम्बुलेंस इज यूज टू कैरी पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल. एरोप्लेन टू रीच टू फार प्लेसेस इन लेस टाइम. जो दूर दूर में प्लेसेस है वहां तक पहुंचने के लिए लेकिन कम टाइम में. बोट इज यूज टू क्रॉस द रिवर. फायर इंजिन, व्हाट इज द यूज ऑफ अ फायर इंजिन?
एनी वन ऑफ यू? आराध्या भार्गव आज जाने के लिए. यस करेक्ट आंसर अभ्युदय, वेरी गुड. आराध्या भार्गव आपने क्यों नहीं अनम्यूट करके आंसर किया? आराध्या मैम फायर इंजन का यूज क्या है बेटा? फायर इंजन आपने देखा है कभी? टीवी पर देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा. तो रियल में भी देखा होगा, आजकल तो आराम से देख पाते बच्चे. चलो अलीना आप बताइए. मैम आग बुझाने के लिए. यस टू सीज द फायर. ओके टू सीज द फायर मतलब फायर को बुझाना. बुलक कार्ट इट इज यूज फॉर गोइंग थ्रू दी फील्ड्स इन विलेजेस. बुलक कार्ट कहाँ जा सकती है? जहां पे रोड सही नहीं हो, कच्ची सड़क हो, वहां पे बुलक कार्ट आराम से पहुंच सकती है. तो ये ज्यादातर विलेजेस में होता है ना. कैमल कार्ट लेकिन प्लेन्स में, माउंटेन एरिया जो होता है, हिली एरिया जो होता है, वहां पे बुलक कार्ट नहीं चल सकती है ना. इसलिए यहाँ पे लिखा है प्लेन. जो विलेजेस ऐसी जगह पे है, प्लेन्स में है, वहां पे बुलक कार्ट का इस्तेमाल होता है कच्ची सड़क पे चलने के लिए. लेकिन हिली एरिया में बुलक कार्ट का यूज नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना. इसलिए यहाँ पे लिखा है इन विलेजेस विच आर इन द प्लेन. कैमल कार्ट इट इज यूज टू ट्रेवल इन द डेजर्ट. आपको सबको पता है कि कैमल्स कैन वॉक इन द डेजर्ट, तो उसकी कार्ट भी डेजर्ट में चलने के लिए इस्तेमाल होती है. डेजर्ट यानी रेत, रेगिस्तान. हाँ रेगिस्तान. वल्लम, वल्लम भी एक बोट है, स्मॉल वुडन बोट. ये आपको केरला में दिखेगी और इसका इस्तेमाल भी कहाँ होता है? पानी में क्रॉस करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ये स्मॉल वुडन बोट है, इसका नाम है वल्लम. ये कहाँ पे आपको दिखेंगी? केरल में. पुलिस जी इट इज यूज टू रीच द प्लेसेस और पीपल हु नीड इमरजेंसी हेल्प. ठीक है तो ये सारे यूजेस है. आई विल सेंड दिस फाइल इन क्लास व्हाट्सएप टूडे इटसेल्फ ओनली. ओके सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ईवीएस नोटबुक. अब इस लेसन से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है क्या? अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन. एक बार अपना लेसन चेक करो, कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो. मैम इसमें जो एक्टिविटी दी है ट्रेन की, वो नहीं करना है ना? नहीं बेटा वो नहीं करना है. ओके वो नहीं करना. मैम पेज नंबर, अभी एक्टिविटीज हम साथ साथ में करते जा रहे हैं तो ये इतना जरूरी नहीं है. जब आप स्कूल आते तो हम आपसे करवाते, लेकिन अभी ये इतना जरूरी नहीं है. सो नो नीड ऑफ इट. ओके इसके अलावा कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट न्यू लेसन. समर्थ कुछ डाउट है इस लेसन से रिलेटेड? आराध्या राठौर, यज्ञा, यज्ञा थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए बेटा. यज्ञा आई वांट टू टॉक टू यू. यस मैम. यज्ञा आपने आर्ट इंटीग्रेशन वाला प्रोजेक्ट जो भेजा था ना, वो इतना अच्छा नहीं बेटा. मैंने आपको बोला था ना आप हिंदी में कुछ कर लीजिए. आपने कुछ किया उसके बाद? नो मैम. आप दोबारा प्रोजेक्ट कीजिए, उसको मैं नेक्स्ट असेसमेंट में काउंट करूंगी बेटा, इसके नंबर दूंगी मैं. तो दो चार बच्चों का बहुत पुअर है, उनको दोबारा करने के लिए मैंने पिछले हफ्ते ही बोला था, याद है? मैम मैंने बना के भी भेजा है. लेकिन बेटा वो नहीं अच्छा है, आपने जो मुझे भेजा है ना उसमें बहुत गड़बड़ी है. तो मैंने आपसे क्या बोला था कि या तो अभी पोम लिख लो या स्टोरी लिख लो गेम्स के ऊपर, बोला था कि नहीं? एक पूर्ति का भी बहुत अच्छा नहीं है. और भी चेतना आ गई है, चेतना अनम्यूट करो. और अथर भार्गव आपको भी मैंने बोला था कलरफुल बना के फिर मुझे वापस पिक्चर भेजो, तो आपने नहीं भेजे मुझे अभी तक. हाँ जल्दी से जल्दी भेजना है. और यज्ञ आपको थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ेगा, आपने बहुत छोटा छोटा लिखा तो मैं बोला था ना आपसे मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ यज्ञ. तो या तो उसको बड़े अक्षरों में लिखो और अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो हिंदी में कर लो. आपको मैंने परमिशन दी है हिंदी में करने की. जिनके पास ज्यादा इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो वो हिंदी में पोम लिख सकते हैं, ठीक है ना? पूर्ति भी अभी भी मीटिंग में नहीं है, तो पूर्ति को भी सेम बात मुझे बतानी थी. चेतना अनम्यूट हो सर. चेतना, चेतना शिवांश को कुछ पूछना है? शिवांश
नहीं चेतना अनम्यूट योरसेल्फ, नहीं तो मुझे न्यू लेसन स्टार्ट करना है। चेतना चेतना अनम्यूट करो बेटा। चेतना ने मीटिंग छोड़ दी, ठीक है चलो वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। पेज नंबर इज 139 बट यू हैव टू ओपन 140 बिकॉज ऑन 139 देर इज वन गेम। वो गेम आप घर पे भी खेल सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, वी विल मूव टू पेज नंबर 140। ओके टुडे यू विल रीड दिस लेसन। ओके ओके इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट इज अ फैमिली। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज अ फैमिली। कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन what is a family? Do you live in a family, Devanshi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you live in a family? Yes, ma'am. Can you explain what is a family? इस लेसन में हम फैमिली के बारे में ही पढ़ेंगे। फैमिली क्या है, कितने प्रकार की फैमिलीज होती है, ठीक है। तो देवांश आप एक अपने शब्दों में बता दीजिए कि फैमिली क्या होती है, फैमिली में कौन कौन होता है। अपने शब्दों में बताइए देवांशी, हिंदी में भी बता सकती हो कि फैमिली में कौन कौन होता है। आप फैमिली में रहते हो ना? दादा दादी, आपके घर में कौन कौन है? दादा दादी है, मम्मी पापा है, छोटा भाई है ना। Yes, ma'am. अगर आपको अकेले छोड़ के जाए घर पे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? No, ma'am. घर में रहने लगे और आप अकेले घर में रहने लगे आपको अच्छा लगेगा क्या? No, ma'am. नहीं, हमें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही अच्छा लगता है ना? इसका मतलब हम लोगों में एक स्पेशल बात है कि हमें एक ग्रुप के साथ अच्छा लगता है। और वो कौन सा ग्रुप होता है? जो हमसे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। तो उनके साथ रहना अच्छा लगता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। जैसे आज क्लास में ऐसा हो गया, मैम ने मुझे डांट दिया, तो सबसे पहले जाके आप अपनी मम्मा या पापा से शेयर करते हो। अगर आप अकेले रहोगे तो क्या ये काम आप कर सकोगे? आपको जो चीज बुरी लगी वो आप किसी के साथ शेयर कर पाओगे? कोई भी बता सकता है, शेयर नहीं कर सकते, है ना। और जब आप खुश होते हो, जैसे आपके अच्छे नंबर आए, मैम ने आपको व्हाट्सएप पे भेजा एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेल डन, अमेजिंग, तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुश हो जाते हो। और आप सबसे पहले किसके साथ शेयर करते हो? मम्मा। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसके साथ भी, जो भी अवेलेबल होता है उस समय घर में, कोई भी अवेलेबल होता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो उनके साथ, छोटा भाई भी होता है तो उसके साथ भी बोल देते हो आप, देखो मेरी मैम ने मुझे क्या दिया, तुम्हारी मैम ने दिया है क्या, है ना। तो जब भी हम खुश होते हैं या जब भी हम दुखी होते हैं तो हम अपने फैमिली के साथ वो चीज शेयर करते हैं। तो फैमिली हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे लिए फैमिली में क्या होता है? और अभी आप बच्चे हो तो आपको ये नहीं पता है कि आपके घर के जो फाइनेंसेस है, मनी मनी रिलेटेड जो चीजें है वो आपको नहीं देखनी पड़ती। आपके घर में कौन देखता है? पापा, मम्मी पापा भी रिस्पॉन्सिबल है। जो भी आपके घर में अर्निंग है वो मेंबर इस चीज का ध्यान रखता है कि आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। जो भी आपको स्कूल के लिए चाहिए, आपको अपने जैसे कि कपड़े है, स्टेशनरी का जो भी मटेरियल है, सब कुछ आपको अवेलेबल होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? घर के एल्डर्स, है ना। आपकी मम्मी अगर वर्किंग है तो वो भी ये काम कर सकती है, पापा मम्मी दोनों वर्किंग है तो दोनों भी ये काम करते हैं। तो आपका ख्याल रखना, यानी बच्चों का, आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो उनको भी दवाइयां ला के देना, उनके और भी जो भी जरूरत है उनको पूरा करना, ये भी आपके घर में जो एल्डर्स है वही काम करते हैं। करते कि नहीं? डू यू एग्री विथ मी? कौन कौन एग्री करता है मेरे साथ? यस। तो आपके जो फैमिली के एल्डर्स है वो आपके घर में जो बुजुर्ग है, बच्चे है, इनका ध्यान रखते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा
हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं फैमिली में, करते कि नहीं? करते कि नहीं? भले ही आप मम्मी से गुस्सा हो जाए, पापा से गुस्सा हो जाए, कोई तीसरा बाहर से आके अगर आपकी मम्मी के लिए पापा के लिए कुछ भी बोले, आपको बहुत गुस्सा आ जाए, आएगा कि नहीं? जैसे yes, मान लो आपकी मोहित अंशन की अपने भाई से लड़ाई हो, ठीक है, और किसी उसके फ्रेंड ने मोहित अंशन के भाई को मारा, तो मोहित अंशन को गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, क्योंकि मोहित अंशन और बाकी लोगों का भी अपने भाई के लिए बहन के लिए क्या है, एक बॉन्डिंग है, बहुत प्यार है। तो ये फैमिली होता है, दूसरे के साथ प्यार होता है, ठीक है। तो आज हम जो लेसन पढ़ने वाले, इसमें हम फैमिली क्या होती है, अच्छा हमारी किस आपकी किसी की फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे होंगे तो वो हो गई स्मॉल फैमिली, लेकिन किसी किसी के फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा ताऊ जी ताई जी, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, है ना, तो वो हो गई बिग फैमिली। जो स्मॉल फैमिली होती है वो होती है न्यूक्लियर फैमिली, और जो बिग फैमिली होती है जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के सारे बच्चे, जैसे कि ताऊ जी, उनकी वाइफ ताई जी, उनके बच्चे, आपके चाचा, आपके पापा, उनके बच्चे, ये सब साथ में रहते, तो ये बिग फैमिली हो गई। तो ये हो गई ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, स्मॉल फैमिली यानी न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली यानी बिग फैमिली, ठीक है। इसके अलावा भी एक फैमिली होती है, उसको कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होता है, कोई एक पेरेंट होता है, या तो मम्मी हो सकती है या तो पापा हो सकता है, उनके बच्चे, तो ये होती है सिंगल पेरेंट फैमिली। तो ये तीन प्रकार की फैमिलीज आप इन इस लेसन में आप देखोगे, ठीक है, एक जॉइंट फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली जो कि स्मॉल है, सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे है, और जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, बच्चे है, और ग्रैंड पेरेंट्स के सारे बच्चे, जैसे कि ताऊ जी, चाचा, उनके बच्चे, तो ये होती है जॉइंट फैमिली। और सिंगल पेरेंट फैमिली मैंने आपसे क्या कहा, दोनों में से कोई एक पेरेंट बच्चों के साथ है, किसी कारण से दूसरा पेरेंट नहीं है साथ में, या तो मम्मी होगी और मम्मी के साथ में बच्चे होंगे, या पापा होंगे और पापा के साथ में बच्चे होंगे, तो ये हो गई सिंगल पेरेंट फैमिली। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ फैमिलीज इस लेसन में आप देखने वाले, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेसन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ूंगी, पूरा लेसन नहीं पढ़ूंगी यहाँ पे मैं। फर्स्ट यू कैन सी हियर अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली, ओके, गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रन तानिया एंड समर, ओके, गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रन तानिया एंड समर। आपको कैसे पता चला कि ये फैमिली है, कैसे बता सकते हो आपकी ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं? इस फोटो को देखकर आप कैसे गेस कर सकते हो कि ये सारे एक ही फैमिली के हैं? मैम, मम्मी और पापा हैं और दो बच्चे। लेकिन आपने कैसे गेस किया कि ये एक ही फैमिली के, अलग अलग फैमिली के, जैसे मैं हूँ, मैंने चिन्मय को बुला लिया, अर्थार्थ को बुला लिया, तो क्या हम एक ही फैमिली के हैं ऐसा लगेगा आपको? आप कैसे गेस करोगे कि ये एक फैमिली के नहीं है? मैम, अगर ये अलग अलग फैमिली होती तो अलग अलग फोटो होते, लेकिन ये तो एक। मैंने आपको क्या कहा, मैंने चिन्मय के साथ, यथार्थ के साथ, कविउद्दीन के साथ, तीनों के साथ फोटो खींच ली और मैंने डाल दी व्हाट्सएप पे कि ये हमारी फैमिली, दिस इज माय फैमिली, तो आप मान लोगे कि ये मेरी फैमिली है, कैसे पता चलेगा आपको? उनका फोटो देखकर। हाँ, शिवांश कुछ कह रहा है, शिवांश मुझे एक साथ तीन बच्चे बोल रहे हो तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, शिवांश कुछ कह रहा है, मैं शिवांश से कुछ सुनूंगी। शिवांश, मैम आपने फोटो डाली और फिर उनका उनका फेस आपसे मैच नहीं होगा? नहीं करेगा, वेरी गुड। जो एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको अगर ध्यान से देखोगे, आज आप क्या करोगे, अपने मम्मी पापा के साथ मिरर में साथ में खड़े हो जाओगे, एक साइड में मम्मी, एक साइड में पापा और बीच में आप, और आप अपने फेस, जो आपका फेस है या आपकी बॉडी है, उसको आप मिरर में देख के मैच करना, मैच होता है कि नहीं ध्यान से देखना, है ना, तो होगा,
या तो मम्मी के साथ मैच करेगा या तो पापा के साथ मैच करेगा, ठीक है। ये हो गया आपके फेस और बॉडी की बात, आपके चलने का स्टाइल, आपकी स्माइल का स्टाइल, आपकी बातें करने का स्टाइल, ये भी आपके घर में जो आपके मेंबर्स है इनके साथ मैच करेगा, हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी मैच करे, है ना। तो इससे आप फोटो देख के आप कैसे गेस करोगे, कुछ ना कुछ आपके फेस जो फीचर्स है आपके, या तो आपकी नोज, या तो आपके आईज या आईब्रोज या फेस का स्ट्रक्चर, कुछ तो भी आपके फैमिली मेंबर्स के साथ मैच होगा। तो फोटो देख के आपको इससे पता चलेगा, अरे चिन्मय का फेस तो मैम के फेस के साथ मैच नहीं हो रहा, यथार्थ का फेस तो मैम के फेस के साथ मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एक फैमिली के मेंबर्स नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको यार टेक्स्ट बुक में भी एक पिक्चर दिख रही है, क्या ये एक ही फैमिली के मेंबर्स है क्या? यस मैम। आर दे रिलेटेड? आर दे रिलेटेड? यस और नो? मैम कैसे पता चला आपको? इनके फेशियल फीचर्स देखिए, नोज देखिए, आईज देखिए, मैच हो रही है एक दूसरे के साथ? मैम यस, एक ही फैमिली। फेस का जो शेप है वो भी मैच हो रहा है फेस। अलीना कुछ कह रहे हो बेटा? लेकिन पहले अपने मम्मी पापा के साथ मैच करो, ठीक है? क्योंकि नानी का फेस मेरे जैसा लगता है। हाँ, नानी के साथ मैच हो सकता है। यस ओके, नाउ हियर वी विल सी। मेरे पापा बोलते हैं कि मेरे पापा छोटे होकर आ गए, मुझे ऐसे बोलते। ओके ओके, नाउ ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ, हियर वी विल सी फर्स्ट family, okay, Sitamma's family. I will read it for you, so mute yourself and pay attention. Sitamma lives in her ancestral house in a small city, Guntur. Ancestral मतलब पुरखों का, है ना, हमारे पुरखों का घर होता है ना, तो पुराने घर में अपने पुरखों के पुराना जो रहता है, जिसको दादा बाबा ने बनाया है, ऐसे घर में रहती है। उसके साथ में कौन कौन है? दादा, दादी, यंगर चाचा, बुआ live on the ground floor. In one portion of the first floor, Sitamma lives with her father, mother, younger sister Gitamma. In the other portion live her Tauji and his three children. Her Taiji died just a few months ago. Her elder Chacha and the new Chachi live in one of the rooms on the terrace. They are newly married. Before dinner, Sitamma's mother teaches all the children. Food for the whole family is cooked in the same kitchen on the ground floor. They all make special effort to be together at dinner time. Nowadays, Tauji's younger daughter sleeps with Sitamma's mother at night. In the morning, Sitamma helps her get ready for school. Now, can you tell me first, which type of family is this? We have seen three families: joint family, nuclear family, and single parent family. So now tell me, which type of family is this? Jivika, yes. Single family. Listen, joint family is a big family where all the children or grandparents and then all the children with their children. Grandparents with their children, जैसे कि ताऊजी, चाचा, है ना, और उनके भी बच्चे, उनके साथ में सब एक घर में रहते, तो वो होती है joint family. और आपने बोला सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी मम्मी या पापा में से कोई एक पेरेंट अवेलेबल है, दूसरा पेरेंट किसी कारण से अवेलेबल नहीं है, तो वो होती है सिंगल पेरेंट। तो अब बताइए सीतामा की फैमिली कौन सी फैमिली है? मैम जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली करेक्ट आंसर, ठीक है। आपने देखा उसके घर में कौन कौन है? दादा, दादी, ताऊजी, ताईजी इज डाइड, मतलब कुछ ही महीने पहले ताईजी का निधन हो गया है, ठीक है। और बुआ भी उनके घर में, चाचा भी है, चाचा की नई शादी हुई है तो चाची भी आ गई है उनके घर में। ओके,
So all these members are, and how do they take care? They eat food together. Then जो ताऊ जी की छोटी सबसे बेटी है, क्योंकि मम्मी की याद सबको आती है, लेकिन मम्मी उसकी है नहीं, तो उसका ख्याल कौन रखता है? सीतामा की मदर, उसके साथ सोती है सीतामा, उसको हेल्प करती है सुबह स्कूल के लिए रेडी होने के लिए. तो इस तरीके से जॉइंट फैमिली में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है. नाउ वी विल सी नेक्स्ट फैमिली. ओके, तारास फैमिली. तारा लिव्स विद हर अम्मा एंड नाना. अम्मा एंड नाना, अम्मा का मतलब मम्मी, ठीक है, और नाना, नाना तो आप जानते हो मम्मी के जो पापा होते हैं उनको क्या कहते हैं? नाना, ठीक है. यस, तारा विथ हर अम्मा एंड नाना लिव्स इन चेन्नई. हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड. ओके, शी हैज एडॉप्टेड तारा. अब ये जो अम्मा जिसको ये कह रही है, इनकी शादी नहीं हुई है. उन्होंने तारा को कहां से? गोद लिया है. अडॉप्टेड मतलब गोद लेना. तारा को उन्होंने क्या किया है? गोद लिया है. इसका मतलब पेरेंट एक ही है. आपने देखा यहाँ पे पापा नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये अकेली है और उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया है, तो ये बच्ची वो है तारा, ठीक है. मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग. ये जो मीनाक्षी यानी कि जो तारा की मम्मी है, सुबह ऑफिस जाती है और शाम को लौटती है, ठीक है. व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर. ही इज द वन हु फीड्स हर. मतलब जो नाना जी है वो उसका ख्याल रखते हैं मम्मी के एब्सेंस में. जब वो स्कूल से लौटती है तो उसको खाना खिलाते हैं. एंड ऑल्सो हेल्प्स हर टू डू होमवर्क. ऑल्सो प्लेज विथ हर, उसका होमवर्क कराते हैं, उसके साथ खेलते हैं. ड्यूरिंग वेकेशंस द थ्री ऑफ देम गो टू फार प्लेसेस एंड एंजॉय देमसेल्व्स. एट टाइम्स तारास मौसी, मौसी यानी मम्मी की बहन, ठीक है, उसको मौसी कहते हैं. मौसी एंड मौसा एंड देयर चिल्ड्रन आल्सो कम टू देयर हाउस एट सच टाइम्स टू प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड आल्सो चिट चैट. और दूसरी कतार उसकी जो मम्मी की जो बहन है यानी मौसी, और उनके हस्बैंड यानी मौसा जी. आप भी जानते होंगे ना मौसी के हस्बैंड को क्या कहते हैं? मौसा जी. और उनके बच्चे, ये लोग सब आते हैं और वेकेशंस में खूब एंजॉय करते हैं. नाउ कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ फैमिली इज दिस? अनीश, तारास फैमिली विल कम इन विच कैटेगरी? जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली? सिंगल पेरेंट फैमिली. यस, बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज देयर, अनदर वन इज नॉट देयर. सिर्फ एक पेरेंट है वहां पे, है ना, दूसरा पेरेंट नहीं है. तो ये कौन सी फैमिली होगी? सिंगल पेरेंट फैमिली. वेरी गुड अनीश. नाउ वी विल सी थर्ड फैमिली, दैट इज सारा एंड हबीब्स फैमिली. Okay, Sarah and Habib live in a city. Both are employed. Habib is a clerk in a government office and Sarah teaches in a school. Habib's Abbu is retired and lives with them. ये Sarah है, ये Habib है और ये इनके Abbu. यानी कि Abbu कौन होता है अलीना? Abbu किसे बोलते हैं? मामू. तो इन दोनों के पापा कौन है? ये है जिनको ये अब्बू बुलाते हैं, ठीक है. इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड्स. क्योंकि सुबह दोनों बिजी रहते हैं, ये टीचर है और ये ऑफिस में भी है ना, लेकिन शाम को तीनों फ्री होते हैं तो शाम को अपना समय साथ में बिताते हैं. कैसे बिताते हैं? या तो टीवी देखते हैं या तो कार्ड्स खेलते हैं. Abbu enjoys watching television with the others. He enjoys the discussion as well. On holidays, the neighbors' children come to the house and create a lot of fun. जब holiday होता है तो neighbors' children यानी पास के बच्चे जो पास के पड़ोस में रहते हैं वो आ जाते हैं और सब मिलकर क्या करते हैं? Watch TV and enjoy a lot. Everybody enjoys together. They play games, go out. And at times go for plays and movies. कभी कभी वो लोग छुट्टी वाले दिन क्या करने जाते हैं? मूवी देखने, है ना, या फिर प्ले देखने जाते हैं, ठीक है.
So can you tell me which type of family is this? Here also mother is not there, children and papa. Bhavyansh, can you tell me which type of family is this? Ma'am, can I? Who is this, Sanvi? Yes. Yes, Sanvi. Yes, Sanvi. Ma'am, single family? Yes, single parent family. क्योंकि यहाँ पे भी एक parent है, mother नहीं है और बच्चे हैं, ठीक है? भवेश आपने क्यों नहीं बोला? भव्यांश मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? आ रही है ना बेटा? अब आगे वाली फैमिली का आंसर आपको देना है, ठीक है? ध्यान से देखना. तोताराम. तोताराम लिव्स विथ हिज फादर, अंकल एंड कजिन ब्रदर्स. ओके, किसके साथ रहता है तोताराम? अपने पापा, अंकल एंड कजिन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई. कजिन ब्रदर्स क्या होते हैं? बड़े भाई. जैसे जो आपके पापा है, ठीक है, आपके पापा के जो भाई होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनको आप कहोगे कजिन ब्रदर्स. अगर लड़कियां होंगी तो कहोगे कजिन सिस्टर्स. मेरी बात क्लियर हो पाई? जो आपके पापा है उनके बड़े भाई होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, या छोटे भाई के भी हो सकते हैं बच्चे, तो वो आपस में आप लोग आपस में कौन हो गए? कजिन ब्रदर्स. अगर सिस्टर है तो कजिन सिस्टर्स, ठीक है. दे लिव इन अ कॉलोनी इन मुंबई. तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू मुंबई टू स्टडी. देखो वो मुंबई में रहते हैं अपने पापा. तोताराम किसके साथ रहता है? ध्यान से देखना. पापा, उसके अंकल और उनके बच्चे, है ना? ये सब किस लिए आए हैं मुंबई? टू स्टडी. हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर. एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टूगेदर. फूड कुक्ड बाय तोताराम्स चाचा इज लाइक्ड बाय एवरीवन. तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग. अ पार्ट ऑफ द मनी अर्न इज सेंट टू तोताराम्स दादा इन द विलेज. तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पैरेंटल हाउस इन द विलेज. वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज. ही मिसेस हिज मदर वेरी मच. ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर. यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? तोताराम जो है वो अपने फादर, अंकल और उनके बच्चों के साथ मुंबई में रहता है, लेकिन उसके समर्थ उसकी फैमिली का जो ये यहाँ पे इनकी कंप्लीट फैमिली नहीं है. ये लोग मुंबई में क्यों रह रहे हैं? टू स्टडी. और जो इनकी फैमिली का आधा हिस्सा है वो कहाँ है? विलेज में, अपने दादा दादी के घर में. पैरेंटल हाउस कहाँ है उनका? विलेज में. जो उनका खुद का घर है, अच्छा घर, वो कहाँ है? विलेज में. वहां पे कौन कौन रहता है? मम्मी, दादा दादी, चाची, है ना, और तोताराम के यंगर ब्रदर और सिस्टर. तोताराम के और भी भाई बहन है, रियल रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, जो छोटे है तोताराम से. ये लोग सब वहां विलेज में है, ठीक है. अब ये ऐसे अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन ये है एक फैमिली. ये किसी पर्पस से अलग अलग हो गए हैं, पढ़ने के लिए और पैसे कमाने के लिए कुछ लोग शहर में रह रहे हैं और बाकी के लोग गांव में हैं. तो ये किस टाइप की फैमिली हो गई? भव्यांश, can you tell me which type of family is this? Babyansh, you're not audible. Babyansh, is there any problem? Chat box mein type kar do. Aapki awaaz nahi aa rahi acche se. Tab tak same question hum poochte hain. अनिरुद्र, अनिरुद्र आप बताइए ये कौन से टाइप की फैमिली होगी?
न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली कि सिंगल पेरेंट फैमिली, कौन सी फैमिली हो गई ये? अनिरुद्र साहू, अभ्यंश तुम टाइप करो बेटा, मैंने अभी उसको अनिरुद्र भी नहीं बता रहा आंसर। चलो आंसर बताइए, कौन सी टाइप की फैमिली है ये? जो अभी बताया मैंने वो कौन सी टाइप की फैमिली है? तुताराम की जो फैमिली है। हाँ भव्यांश ने कुछ टाइप किया है, भव्यांश देख क्या टाइप किया है तुमने? जॉइंट फैमिली, करेक्ट आंसर, वेरी गुड भव्यांश। ये जॉइंट फैमिली क्यों है? जॉइंट फैमिली क्योंकि ये किसी पर्पज से अलग अलग हो गए हैं, है ना? किसी पर्पज से तो अलग अलग रहना पड़ रहा है, लेकिन ये है जॉइंट फैमिली क्योंकि तोताराम के पापा जो पैसे अर्न करते हैं उसमें से कुछ पार्ट वो गांव में भी भेज रहे हैं अपने लोगों के लिए, तो ये अलग अलग इनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, लेकिन ये है एक जॉइंट फैमिली। वेरी गुड भव्यांश, गुड आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज कृष्णा एंड कावेरीज फैमिली। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। In the morning, all the three live home together. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. Their father goes to the shop for the day. कौन कौन है फैमिली में? फादर, कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा क्या करता है? कावेरी को स्कूल में छोड़ता है, फिर खुद कॉलेज चला जाता है और फादर की शॉप है। कावेरी returns from school in the afternoon. She unlocks the house and waits for Krishna. कावेरी खुद घर आके घर खोलती है अपना, खुद ही लॉक अनलॉक करती है और अपने भाई का इंतजार करती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। दोनों साथ में खाते हैं बाद में। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क। ऑन रिटर्निंग शी इधर प्लेज कैरम विथ हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन। व्हेन फादर रिटर्न्स होम दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर। और शाम को जब पापा आते हैं तो सब मिलकर खाना खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशन कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर। कृष्णा आल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस। ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर देयर। देखो जब उनकी वेकेशन होते हैं तो ये अपने मम्मी के पास रहने के लिए जाते हैं, लेकिन कृष्णा को अपने पापा के साथ ही रहना अच्छा लगता है। जो उनका वो घर मानता है, वो पापा के घर को ही अपना घर मानता है, वहीं पे उसको रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मम्मी पापा अलग अलग रहते हैं, है ना? पापा के साथ बच्चे हैं, मम्मी कहीं और रहती है वेकेशंस में, बच्चे मम्मी के साथ रहते हैं, लेकिन कृष्णा को मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, उसको पापा के साथ ही अपने घर में रहना अच्छा लगता है। नाउ कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ फैमिली इज दिस? Anyone else? कोई भी आंसर। मैं अलीना। अलीना न्यूक्लियर फैमिली। अभी तो अभी। मैं न्यूक्लियर फैमिली। अम्मा। मैं स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। Please keep quiet. मैं स्मॉल। अम्मा, unmute yourself. I have heard your answer. You all are correct, but I want answer from Aman. Okay? Aman, unmute yourself. Alina, I know you know the answer, but wait. मेरे को आंसर बता, अब क्वेश्चन बता। क्यों मैं फिर से पूछूं? आप कहाँ थे जब मैंने अभी पूछा तब? अभी हमने किसकी फैमिली देखी पहले वो बताओ, किस बच्चे की फैमिली देखी हमने? उन बच्चों का नाम क्या था? कावेरी। हाँ, कृष्णा एंड कावेरी किसके साथ रहते हैं? तुम ही बताओगे अमान, किसके साथ रहते हैं? कृष्णा एंड कावेरी किसके साथ रहते हैं, जल्दी बोलो। उनके पापा फादर के साथ रहते। तो अब बताओ इनकी फैमिली कौन से टाइप की हुई? इसमें मदर मिसिंग है, इस फैमिली में मदर है लेकिन सिंगल पेरेंट, यानी कि मदर फादर सेपरेट हो गए हैं, वो साथ में नहीं रहते, तो ये भी फैमिली कौन सी हो गई? ये किसी मजबूरी में अलग नहीं हुए हैं, है ना? ये लोग खुद से अलग हुए हैं, तो ये हो गई सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा को जॉब के लिए या किसी और कारण के लिए अलग अलग रहना पड़ता है, तो वो सिंगल पेरेंट फैमिली नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे ये जो फैमिली है ये किसी कारण से अलग हुए हैं, तो ये हो गई सिंगल पेरेंट फैमिली। क्लियर हो पाई बात आपको? शिवांश को कुछ डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज वी हैव सीन एंड टुमारो वी विल डिस्कस हाउ टू मेक अ फैमिली ट्री। Here today we will stop, but before I stop, I would like to talk to few children. Ek to Chetna, uske baad Chetna please unmute karo, Lalit unmute karo, Aman aap bhi unmute raho. Theek hai, ye teen bachche thoda sa unmute kare beta. जिसका जिसका नाम अभी मैंने लिया, चेतना, अमान, ललित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अमान आप करो पहले, आपसे बात कर लूं तब तक दो मिनट में। अमान जल्दी करो। यस मैम, यस मैम। आपने जो आर्ट इंस्टीट्यूशन वाला मुझे भेजा था उसमें मैंने आपको करेक्शंस दिए थे, वो आपने किए थे? हम कौन सा? मैंने आपको व्हाट्सएप पे करेक्शंस लिख कर भेजे थे, ये गड़बड़ी है उसको ठीक करो, उसको आपने ठीक किया था? चलो आज देख लेना और अगर ठीक हो तो ठीक है, ओके। चेतना लिस्टन अप, चेतना से बात करूंगी और ललित से बात करूंगी, फिर बाकी बच्चों से बात करूंगी। चेतना और ललित, आपने गूगल फॉर्म अटेम्प्ट किया है, आपको गूगल फॉर्म में भी नंबर नहीं मिले हैं, और आपको जो मैंने काम दिया था, बाकी सब बच्चों का प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो गया असेसमेंट 3 का, है ना? या तो आपको बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड एक्सप्लेन करने थे, उसको ड्रॉ करना था, उसको फंक्शंस को लिखना था, आप दोनों ने भी ये काम नहीं किया है। या तो आपको वॉटर साइकिल एक्सप्लेन करना था, ये भी नहीं किया आपने, दोनों में से एक कोई प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना था, लेकिन आप दोनों ने कोई भी नहीं किया है, और साथ में आपने गूगल फॉर्म भी अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको बताइए मैं असेसमेंट 3 में क्या दूं, जबकि आप क्लास में आ रहे हो आजकल, ललित और चेतना। अगर आपको कुछ कहना है तो क्लास के बाद कहो, नहीं तो मैम के पास कोई ऑप्शन नहीं है जीरो डालने के अलावा, क्योंकि आप दोनों चीजें। हाँ बेटा बोलो बेटा, बाकी सब बच्चों को मैम लीव। हाँ बोलो अभी तक मैम लीव हो जाएगा। हाँ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, वी विल डू शांति पाठ, यू कैन लीव आफ्टर दैट। ओ शांति जिसको डाउट है जल्दी जल्दी बोलते जाओ। मैम उम्र के दिया है, आज आपको लेसन पढ़ना है, जो लेसन आज मैंने पढ़ाया उसको आपको पढ़ना है आज, कल इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, फैमिली ट्री कैसे बनाना है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसको आज आप पढ़ेंगे शांति से। मैम देवांशी बोलो, सानवी बोलो। मैम आपने आप आज मैं लेट हो गई थी, तो जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब आपने असेसमेंट 3 के लिए कुछ बताया। आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, आपका प्रोजेक्ट भी हो गया, आपका गूगल फॉर्म भी हो चुका है, हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था ना। yes, आपका कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, चेतना का है और ललित का है। चेतना आप कुछ बोलोगी तो आप छोड़ दीजिए बाकी सारे बच्चे मीटिंग, चेतना और ललित थोड़ा सा बात करें। चेतना कुछ नहीं बोलोगी तो मैम को जीरो देना पड़ेगा, मैम के पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, क्योंकि आप प्रोजेक्ट जो भी है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हो,